I hope you all are safe at your home. Today, once again, we are going to read Class 4 English Grammar, Chapter 5, and topic is pronoun. Okay, your topic is pronoun. So, students, in this lesson, we are going to read about pronoun. So, what is pronoun and how it is used in English grammar? We will learn its use in this video. Okay, so students, as we know, when we talk with someone, okay, when we talk with someone, we use several sentences like hello, how are you, where are you going, where is Ram. Okay, so jab hum is tarah se baatein karte hain students, to hum nouns and pronouns ka use karte hain. Okay, like hello, hi Sneha. Okay, हमने कहा हाय स्नेहा. सो स्नेहा यहाँ पे एक लड़की का नाम है. ओके, एंड इट इज नेमिंग वर्ड, सो इट इज बिलोंग्स टू नाउन. ओके, सो हेलो स्नेहा. ओके, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं. सो हियर वी डिडंट रिपीट स्नेहा. ओके, हमने जो है स्नेहा को दोबारा से नहीं बोला है, बल्कि हमने क्या किया है, हाउ आर यू. ठीक है, स्नेहा के लिए हमने यहाँ पे यूज किया यू. ओके स्टूडेंट्स, लिसन यू. सो द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. जैसे कि हेलो स्नेहा. ओके, अब स्नेहा के लिए हमने और पूछने के लिए क्या किया, हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं. वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं. So, इस तरह से वो वर्ड्स जो हम किसी भी नाउन के लिए यूज करते हैं और उसे हम कहते हैं प्रोनाउंस. ओके, जैसे स्नेहा को हमने रिप्लेस किया यू से. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द डेफिनेशन. अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन जो है किसी भी नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. इट इज अ नाउन रिप्लेसिंग वर्ड. रिप्लेसिंग मतलब होता है बदलना, ठीक है, जो किसी भी जगह पे आ जाता है. तो ये जो है एक नाउन रिप्लेसिंग वर्ड है, नाउन को ये रिप्लेस करता है. एंड दीज आर द एग्जाम्पल, ही शी इट हर हिज दे एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, व्हेन वी टॉक विद समवन और इन अ रिटन और इन अ ओरल, वी हम जो है कभी भी दोबारा दोबारा नाउन को रिपीट नहीं करते. जैसे हेलो स्नेहा, स्नेहा हाउ आर यू, स्नेहा वेयर आर यू गोइंग, स्नेहा स्नेहा स्नेहा, ये हम बार बार नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउंस. ओके, लाइक हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ओके हाउ डू यू डू. इस तरह से हम नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. सो नाउ It's time to learn about the types of pronoun. Okay, students? So, students, in your syllabus, we have only two kinds of pronoun. Okay? आपके पास सिर्फ दो तरह के pronoun हैं. And we are going to read about these pronoun. The first is personal pronoun. Okay? Personal pronoun. तो पहली बार हम जो पढ़ने वाले हैं वो है personal pronoun. So We have a chart. Okay, हम मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ किया है एंड जो कि हमें हेल्प करेगा पर्सनल प्रोनाउन को समझने में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ओके एंड थर्ड पर्सन. इट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन बिलोंग्स टू थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, हु इज स्पीकिंग. ओके, हु इज स्पीकिंग, लाइक Now, okay. Now, who is speaking? I am speaking, okay. I am speaking something to you. So, here, I am the first person. ठीक है, मैं क्या हूँ? First person हूँ क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ. And you are the second person. Listener, जो की बात बोल रहा होता है वो होता है first person. And जो सुन रहा होता है वो है second person. And third person, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. सो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे थर्ड पर्सन है. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है. ओके,
सो फर्स्ट पर्सन अपने लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, सो आई एम स्पीकिंग समथिंग टू यू। सो अभी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज करूंगी। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगी अपने लिए आई, यानी कि आई एम अ टीचर, ओके, मी, दिस बुक इज बिलोंग्स टू मी, ये बुक मेरी है, ओके, एंड माइन, दिस पेन इज माइन, वो जो पेन है वो मेरा है। सो यानी कि फर्स्ट पर्सन, यानी कि जिस जो जो प्रोनाउन मैं अपने लिए यूज कर सकती हूँ, खुद के लिए यूज कर सकती हूँ, वो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ओके। एंड जब हम प्लूरल में बात करते हैं, जैसे कि मैं नहीं, मैं खुद के लिए मैं नहीं बल्कि हम कहूंगी, सो प्लूरल में मैं यूज कर सकती हूँ हम, ओके, वी, वी मतलब हम, अस हमारा, ओके, एंड आर्स यानी कि हमारा। सो फर्स्ट पर्सन जब सिंगुलर में हो, फर्स्ट पर्सन जब अकेले बात कर रहा है तो आई मी माय, ओके, एंड व्हेन इट इन प्लूरल फॉर्म वी यूज वी अस एंड आर्स। सो फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलने वाला है वो अपने लिए क्या क्या यूज कर सकता है, आई एम अ टीचर, दिस बुक इज बिलोंग्स टू मी, दिस पेन इज माइन, ओके, ये आप प्रोनाउन के यूज पे ध्यान दीजिए। वी आर रीडिंग सम बुक्स, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, ये घर हमें मतलब हमारा है, ओके, एंड दिस बुक्स इज आर आर्स, ओके, दिस बुक इज आर्स, ये बुक हमारी है। सो सेकेंड इज सेकेंड पर्सन, यानी कि आप, जब मैं सेकेंड पर्सन तुम्हारे लिए आपसे बात, मैं आपसे बात करूंगी तो मैं आपके लिए क्या क्या यूज करूंगी, तो मैं आपके लिए यूज करूंगी यू, यू, योर्स, ओके, तुम एंड तुम्हारा, एंड प्लूरल में भी तुम यानी कि यू, यू में आप सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, अगर वहां पे दो लोग होंगे तभी मैं यू बोलूंगी और अगर एक होगा तभी मैं यू बोलूंगी, ओके। सो दिस इज सेकेंड पर्सन। सो स्टूडेंट्स नाउ थर्ड पर्सन, ओके, सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी कि जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही, शी, इट, ओके, हिम, हर, इट्स, हिज, हर्स, इट्स, और जब वो प्लूरल में होता है तो हम यूज करते हैं दे, देम एंड देयर्स, ओके स्टूडेंट। सो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम ये वाले प्रोनाउन यूज करते हैं, जब हम कहते हैं कि तुम कहाँ हो, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तो हम सेकेंड पर्सन के लिए यू यूज करते हैं, ये वाले प्रोनाउन, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, जब हम दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, देन वी यूज दीज प्रोनाउंस, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स लुक, वी हैव दीज थर्ड प्रोनाउन, ओके, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये प्रोनाउंस हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग है, ओके, जेंडर यानी कि लड़का लड़की एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ओके, लाइक अगर कोई लड़का है हमारे, हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी यूज ही, ओके, हम उसके लिए ही यूज करेंगे, उसके लिए हम शी यूज नहीं कर सकते, ना ही हम इट, नॉट दे, ओके, ओनली वी यूज सिंगुलर, बॉय है तो एक ही लड़का है तो वी यूज ही, हिम, ओके, हम उसके लिए हिम भी यूज कर सकते हैं, हिम मतलब उसका, एंड हिज, ओके, ही, हिम एंड हिज, वी यूज दीज थ्री प्रोनाउंस ओनली फॉर बॉयज, ये हम गर्ल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। एंड थर्ड सेकेंड इज शी, वी यूज शी फॉर गर्ल्स, यस, वी यूज शी फॉर गर्ल्स, शी लड़कियों के लिए हम शी यूज करेंगे, हर एंड हर्स, ओके, शी मतलब वो, यानी कि वो लड़की, उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, हर एंड हर्स। एंड नेक्स्ट प्रोनाउन इज इट, ओके, इट, इट्स एंड इट्स। सो स्टूडेंट इट, वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स, ओके, एंड ऑल्सो लिटिल बेबी, ओके, छोटे बच्चों के लिए हम इट यूज कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो इट्स जेंडर, छोटा बच्चा है हमें नहीं पता वो लड़का है या लड़की है, सो वी कैन यूज इट फॉर स्मॉल बेबी, ओके, एंड इन प्लूरल, थर्ड पर्सन जब प्लूरल में हो तो हम उनके लिए कहते हैं
दे, ओके दे मीन्स वे, देम वो, ठीक है, वे लोग, एंड देयर्स, ओके स्टूडेंट्स। सो ये तो हुए हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग। ओके, वी लर्न दैट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड आल्सो प्रोनाउंस बाय जेंडर। ओके, जेंडर के अकॉर्डिंग भी हमने प्रोनाउंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ओके, यानी कि आप देखेंगे आई कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता। ओके, आई हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है। आई एम अ गर्ल, आई एम गोइंग, आई एम सिंगिंग, आई एम डांसिंग। ओके, वी भी जो है सब्जेक्ट पे ही आता है, नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कभी नहीं आता। सो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दीज आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे ही आते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू मार्केट, सो आई कहाँ आया, सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि आगे आया। बट मी, अस, यू, यू, हिम, हर, इट्स, देम, ये प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन्स आर कमिंग एट द ऑब्जेक्टिव प्लेस। ओके, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर सब्जेक्टिव केस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव और ऑकेस्टिक केस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पोसेसिव प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो, यहां पे हमने लिखा है पोसेसिव केस। ओके, सो पोसेसिव केस, पोसेसिव मीन्स होता है किसी भी चीज के बारे में या किसी भी चीज पर अपना अधिकार या अपना उससे संबंध बताना। जैसे ये पेन मेरा है, ओके, ये बुक मेरी है, ये घर मेरा है, ये पेड़ हमारा है, ये खेत हमारा है, तो इसके जरिए हम लोग उस पर जो है अपना अधिकार या अपना रिलेशन उस चीज से बताते हैं कि उस चीज से हमारा ये रिलेशन है। सो पोसेसिव प्रोनाउन में हम वही बताते हैं कि दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस हाउस इज बिलोंग्स टू, दिस हाउस इज आर्स, ये घर हमारा है, दिस पेन इज योर्स, ये तुम्हारा पेन है, ओके, एंड दिस बुक इज हिज, ये बुक उसकी है, दिस ड्रेस इज hers, so it's theirs, यानी कि mine, ours, yours, his, her, it's theirs, they all are belongs to possessive pronoun. So students, we learn about definition of pronoun and kinds of pronoun, personal pronoun and possessive pronoun. I hope you have understood each and everything in this video. Thank you and have a nice day.